profunda, gente. Cutuquei mais. Eu sou o tio, I can hear something. सबसे पहले सर, आप दोनों अपने फिल्म के नाम के साथ इंट्रो कर दें कि फिल्म में क्या किस तरह का नाम है और क्या जुगलबंदी चल रही है दोनों की। मेरा नाम है फिल्म में मेघा और मैं बहुत एक सीधी सादी डिसेंट घरेलू और अच्छी बच्ची टाइप की लड़की हूँ फिल्म में। और ये मेरा नाम है बादल और मैं बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं हूँ। मैं सिर्फ गुंडागर्दी और लफड़ा करता हूँ, पूरे गांव में लोगों को परेशान करता हूँ और वही मेरा एम है। और मैं एक बहुत बड़े गुंडे को आइडलाइज़ करता हूँ जो जिमी शेरगिल जी का कैरेक्टर है फिल्म में, बच्चा बाबू। तो इस तरह के ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला स्टोरी है इस फिल्म में। मार मार के सुधारा, हर फिल्म में लड़का लड़की को मारता है ना, इसमें मैंने इसकी धुलाई की है बहुत ज्यादा। ये जो सनक है वो तो खैर इन दोनों के बीच में ही है, इनका कॉन्फ्लिक्ट है, जिमी जी का एंड योगेश के कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो दे बोथ आर द सनकीज, सो यू शुड एलैबोरेट ऑन दैट। कैरेक्टर्स ही एक केमिस्ट्री मेरी और मदालसा की है और एक केमिस्ट्री मेरी और जिमी की भी है। तो अब एक गुंडा एक सीधी साधी लड़की से प्यार करेगा तो किस तरह का स्टोरी घूमेगा और किस तरह से चीज़ें पलटेंगी फिल्म में, तो उस तरह से दिखाने में मज़ा आया है और ये फिल्म बनने में भी वैसे मज़ा आया बहुत। अच्छा, ऑन स्क्रीन की बात करूँ तो कितना दिल सनकी नज़र आया तुम्हें? मेरा दिमाग सनक जाता था बिकॉज बहुत गर्मी थी वेल शूटिंग, इसीलिए दिल का तो मुझे पता नहीं पर दिमाग मेरा सनका हुआ रहता था। मेरा तो चौथे दिन पे मेरे पैर पे लग गया बहुत ज़ोर से, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था तो उसी में शूटिंग की है मैंने पूरी। और आई डोंट नो हाउ बट शूटिंग के जब फिल्म देखी मैंने तो वैसे लगती नहीं है कि मेरे पैर पे लगा हुआ है। तो हाँ, दिल थोड़ा सनका हुआ ही था मेरा, दिल दिमाग सब जगह से सनका हुआ था मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दिल सलकी होना चाहिए क्योंकि नहीं हो तो फिर ये नहीं कर पाएंगे जो हम लोग कर रहे हैं आज। जिमी भाई जी, फिल्म के अंदर किस तरह की केमिस्ट्री आप तीनों की उनके साथ काम करने की और किस तरह का एक्सपीरियंस है? इनकी कैरेक्टर का काफ़ी बैकलॉग है जिमी जी के साथ, बहुत ही वेटरन और एक्सपीरियंसड एक्टर है वो। उनको तो सिर्फ टीवी पे देखा है मैंने, फिल्मों में देखा है, रियल में कभी देखा नहीं था। जब पहली बार मिला उनके साथ सीन्स किए तो मुझे लगा कि डांट देंगे वगैरह चिल्लाएंगे, मगर वैसा उन्होंने किया नहीं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। और कुछ गलतियां करता था तो कट बोल के मुझे वो आके बोलते थे कि भाई ऐसे तुम मत करो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे करो तो वो बेटर लगेगा फिल्म में। और डबिंग के वक्त भी मेरी बहुत मदद की। तो एज अ न्यू कमर आई थिंक इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। पहले फिल्म में तो मुझे बड़ा मज़ा आया, अभी आगे आगे काम करूँगा तो कैसे रहेंगे पता नहीं, अभी तो मुझे मज़ा आया बहुत। हाँ, कई कई जगहों पर जब मैं अपनी वैसे तो मैं काफ़ी रिजर्व्ड और काफ़ी यू नो आई एम अ वेरी मॉडर्न गर्ल, आउटगोइंग, इंडिपेंडेंट, जो लड़कियाँ होती हैं आजकल, बट क्योंकि ये झांसी की कहानी है और यूपी वगैरह की कहानी है सो शी इज़ अ कंजर्वेटिव गर्ल। उसका बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो होता है वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव एटमोसफेयर में होता है। तो शांत स्वभाव की लड़की है बट वो अपने आप में शी इज वेरी गर्ली विद इन हरसेल्फ। जब भी वो देखती है बारिश हो रही है तो शी लव्स टू स्टार्ट डांसिंग, पागलों की तरह नाचने लगती है रेन्स में। मी बीइंग सच अ बबली गर्ल, मैं कभी ऐसा ना करूँ कि बाहर बारिश होगी और मैं जाके वहाँ नाचूँ। सो शी इज़ गॉट बहुत सारे कलर्स है उसके कैरेक्टर में। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि वो रिबेलियस हो जाती है एंड जहाँ पे वो फंस गई होती है वहाँ से उसको निकलना होता है, भागना होता है और वो एक तांडव करती है। सो दैट इज़ एक एंगर भरा तांडव शी डज। और सो बेसिकली उसके कैरेक्टर्स में बहुत सारे शेड्स हैं, शी इज़ वेरी सॉफ्ट, शी इज़ वनरेबल, शी इज़ क्यूट, इनोसेंट, एट द सेम टाइम वेरी 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 अग्रेसिव जहाँ उसे अग्रेसिव होना चाहिए वहाँ। तो काफ़ी सारे अलग अलग शेड्स हैं इस कैरेक्टर में। आपको मदालसा की कौन सी चीज़ अच्छी लगी फिल्म के अंदर और मदालसा आपको इनकी? सोचना पड़ेगा। अच्छा बोलना। बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत ही टैलेंटेड है, बिल्कुल भी
शी इज़ द डायरेक्टर्स एंड द एडिटर्स एक्टर. चार टेक लिए, चारों टेक में एक ही डायलॉग है, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया. तो इनके साथ काम करने में सबको मज़ा आता है, डायरेक्टर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी, और एज अ को स्टार मुझको भी, क्योंकि मुझे पता होता है कि कहीं से भी कुछ मैंने गलती कर दी तो संभाल लेंगे सीन में. तो वो एक अच्छा लगा मुझको. मुझे तो लगा ही नहीं, फ्रेंकली ऑनेस्टली मैं इसकी जितनी भी टांग खींचूं ड्यूरिंग द अदर इंटरव्यूज, बट जब आप मुझे ये पूछेंगे तो आई कैन से दैट मुझे नहीं ऐसा लगा कि आई एम वर्किंग विद अ न्यू कमर. आई फेल्ट लाइक ही इज़ वेटरन ऑलरेडी, और ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड एक्शन स्किल्स इसके बहुत अच्छे हैं. एंड बींग अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड देन लीविंग योर डॉक्टरी असाइड एंड कमिंग इन टू बॉलीवुड, सो दैट्स अ वेरी बिग स्टेप विच ही इज़ टेकन. सो वो पैशन है. जब मैंने इनके साथ पहला सीन किया था तभी मैं रियलाइज़ कर लिया था कि ओके फाइन, आई नो नाउ दैट वाई यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर, बिकॉज आई कैन सी दैट पैशन इन योर सोल, इन योर यू नो ऑल अक्रॉस. सो येस, ही इज़ अ फैंटेस्टिक एक्टर, वेरी गुड डांसर. आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज ही इज़ माई को एक्टर, बिकॉज आई हैव सीन दीज थिंग्स वर शूटिंग. So, he doesn't feel like a newcomer to me. I'm sure when you watch the film, you'll agree. मतलब आप काफी फिल्में कर चुकी हैं, साउथ की अपनी फिल्में की हैं. कितना डिफरेंस होता है इस तरह का अपना आपको किरदार में ढालना, अपना आपको किरदार में ढालना? डिफरेंस तो कुछ नहीं होता है. वहाँ पे भी हमें कैरेक्टर ही प्ले करना है, यहाँ भी हमें रोल, मतलब यू हैव टू प्ले अ कैरेक्टर, राइट? सो बस यही है, वहाँ पे भाषा अलग होती है, यहाँ भाषा हिंदी है. So it's definitely easy for me because it's my language. So it's my city. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं. वहाँ पर साउथ में यही डिफरेंस होता है कि वहाँ उनकी लैंग्वेज अलग होती है, तो वो फ्लेवर थोड़ा अलग हो जाता है. दैट्स इट. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट कैरेक्टर एंड जितना हमें कैरेक्टर पर एज एन एक्टर काम करना होता है, वो सब तो सेम ही होता है. देर इज़ नो मच डिफरेंस इन दैट. अगर आप दोनों से पूछूँ तो फिल्म की USP पॉइंट क्या है, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट या म्यूजिक? आई थिंक म्यूजिक एंड द स्क्रिप्ट डेफिनेटली. परफॉर्मेंसेज, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स जो है ना, सब में बहुत एक अलग अलग ट्रांजिशन दिखा रहे हैं शुरू से लेके एंड तक. सारे कैरेक्टर्स काफ़ी मच्योर होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म, काफ़ी तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. जैसा मैं पहली हाफ में हूँ एंड जो मैं सेकेंड हाफ में हो जाती हूँ, जैसा बादल पहले हाफ में है एंड देन सेकेंड हाफ में हो जाते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन. सो देयर इज़ ट्रेमेंडस स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस जो हम सब ने किया है भर भर के फिल्म में. USP वाइज आई थिंक एक अलग चीज़ हम लोगों ने ट्राई की है फिल्म में. एक लोकेशन है नेपाल में जहाँ पे हम लोगों ने एक ड्रीम सीक्वेंस वाला गाना जो है वो शूट किया है. दैट लोकेशन इज़ अ वर्जिन लोकेशन. नोबडी हैज़ एवर शॉट एनीथिंग ओवर देयर. नो अदर फिल्म मेकर इन द एंटायर वर्ल्ड और इंडियन फिल्म मेकर्स, नन ऑफ देम हैव एक्चुअली गॉन देयर एंड शॉट एनीथिंग. सो उस जगह इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड अभी रिलीज़ होने वाली है गाना, वो गाना रिलीज़ होने वाला है, तो वो एक है. एंड शक्ति कपूर जी, जो यूजुअली यू सी हिम एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, ही इज़ इन एंड आउट पॉजिटिव इन here and very positive never be. And teacher का role कर रहे हैं, बहुत ही देशवादी और positivity के साथ रहते हैं, law को follow करते हैं, तो वो एक character जो नया देखने को मिलेगा सब लोगों को. music काफी अच्छा किया जा रहा है, गाना on ear है, आप dance करते हुए भी नजर आ रहे हैं जी. आप दोनों के दिल के करीब कौन सा गाना है? दो लाइन अगर आप गुनगुना दें आप तो गाओ. मैं बनाओ एक गाना मुझे बहुत पसंद है जो हमारा, एक तो मुझे भांगड़ा सॉन्ग है एक हमारा जो टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स है, दैट्स अ वेरी तड़क भड़क वाला गाना. और एक रोमांटिक गाना भी है जो हम दोनों के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, वो भी बहुत प्यारा है. इट्स वेरी दिल को छू जाने वाला ट्यून है उसका, बट आई कांट सिंग अनफॉर्चुनेटली. और मैंने गाया तो इफ आई सिंग ना फिनी तो फिर आप गाना सुनोगे आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वही गाना था. यही भाई हमने गाया तो फिर आप वो गाना ही नहीं सुनोगे. मतलब जितना खराब है तो हमको सुनना ही नहीं. नो आई डोंट थिंक आई विल. मतलब गाने का अगर जॉनर पसंद करूं तो फिर भी कौन सा गाना दिल के बहुत ज्यादा करीब है? सुर को वाला लो. हां वो जो एक टाइटल जो लास्ट में जो है, हां जो एंड क्रेडिट्स में आएगा, दैट सॉन्ग इज वेरी गुड. इट्स अ डांस नंबर. बट आई लाइक द पंजाबी सॉन्ग अ लॉट ऑनेस्टली. एक जो मैंने कहा अभी क्लाइमैक्स की तरफ एक गाना है, पंजाबी गाना है एंड बिल्कुल भंगड़ा वंगड़ा टाइप का गाना. वो लड़के का ड्रीम है जो, वो जो गाना है ना सुरख वाला, वो लड़के का ड्रीम है. और ऐसा दिखाया जो पूरे फिल्म में लड़के ने कपड़े पहने हैं वो एकदम येलो कलर के, पैंट वगैरह अजीब से कपड़े, अजीब व गरीब कपड़े पहने हैं. इस गाने में ही इज़ वेयरिंग अ जेम्स बॉन्ड टक्सीडो and is walking on the road very formally like a corporate guy would. तो वो एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि लड़के अपने सपने में देख रहा है कि लड़की को पटाएगा कैसे,
तो वो सोच रहा है कि उस तरह के कॉस्ट्यूम में आ गया है वो और लड़की के साथ गाना गा रहा है, तो वो एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है फिल्म में। ओके, फाइनली गाने का जिस तरह से पूरी स्क्रिप्ट है, पूरी प्ले बॉक्स ऑफिस के लिए तैयार है फिल्म जी, तो फाइनली किस चीज़ की मतलब एक्साइटमेंट भी अलग होगा एक तरीके से, और हिंदुस्तान के ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे कि फिल्म देखने क्यों आई? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि दिलशाला संकी एक ऐसी फिल्म है जो आप हर पॉइंट पे अपनी लाइफ में यू कैन रिलेट टू दिस फिल्म, यू विल रिमेंबर ऑल योर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स वाइल वॉचिंग दिस फिल्म। एंड ऐसी कहानी है कि बच्चे से लेके एडल्ट से लेके इवन एल्डरली पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिल्म, और इसमें बहुत बहुत प्यारे मोमेंट्स हैं लव स्टोरी में। एंड बींग एन एक्शन फिल्म, काफ़ी सारा मार धाड़ भी है, एक्शन है जो यूपी का हार्डकोर एक्शन आपको देखने मिलेगा। एंड वी ऑल डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दिस फिल्म, तो हम सारी फिल्मों को एक मौका देते हैं, सो वी माइट एज वेल गिव दिस फिल्म अ चांस बिकॉज इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। एंड यस, डॉक्टर टर्निंग एक्टर, वी शुड डेफिनेटली गिव हिम अ चांस, राइट? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक इन एंड आउट एक्शन बेस्ड रोमांटिक ब्लॉकबस्टर मिर्च मसाला वाली फिल्म है, और ये ऐसी फिल्म है जहाँ आप 2 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखेंगे, आप ना अपना फ़ोन भी चेक करेंगे ना कुछ भी करेंगे, आप विल बी ग्लूड टू द स्क्रीन। और मेरी डेब्यू फिल्म है ऑब्वियसली, और अनलाइक अदर्स मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है, और ये डू और डाई सिचुएशन है, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया, और अगर ऑडियंस का सपोर्ट मिला, आप लोगों की दुआ रही, तो शायद आगे और भी काम करूँगा। दिलशाला संकी रिलीजिंग 23rd September, दिस फ्राइडे, प्लीज वॉच इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम्स एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। थैंक यू। पैर का मतलब है ना, झुकते नहीं पैर।